आई एम सॉरी, आई शुड नॉट हैव सेड दैट, क्योंकि हम दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ और वो बात नहीं कर रही और मैं भी नहीं बात कर रहा हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में हम लोग रिव्यू करेंगे एटीआर एयरवेज की फ्लाइट फ्रॉम शिकागो टू अबू धाबी एंड अबू धाबी टू मुंबई। जो की 9th फ्लाइट और 9th मंथ बर्थडे, वेरी नाइस। और हमारे डैड तक एकदम खुश है, कंप्लीट व्हील चेयर एकदम, लेकिन ये व्हील चेयर बराबर नहीं है। आई डिडंट लाइक दिस व्हील चेयर, ये इतना कंफर्टेबल नहीं है उनको चढ़ने के लिए। तुझे पता है क्या, दे आर टू टाइप्स ऑफ व्हील चेयर, एक स्टेप व्हील चेयर और दूसरा रैम्प व्हील चेयर। रैम्प व्हील चेयर विल गो अंटिल द गेट एंड स्टेप व्हील चेयर विल गो अंटिल द एयरक्राफ्ट डोर। एक्चुअली मैं ब्लॉग करने वाला था ओमा से, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ओमा नेब्रास्का में, लेकिन ये औरत ने बोली कि कितने बार वो सेम ब्लॉग होता है, तो वी नीड टू चेंज, वी नीड टू इम्प्रूव, वी नीड टू वही सब एकदम डिफरेंट नया। डोमेस्टिक फ्लाई किया है फ्रॉम ओमाहा और अभी हम लोग जाएंगे अबू धाबी। वी आर इन शिकागो करंटली और हमारे बंदे को एकदम गड़बड़ है, एकदम फास्ट है, एकदम गाड़ी फास्ट है, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा रहेगा, एयरपोर्ट पे ना है। सिक्योरिटी फाइनली खत्म हुआ हमारा, सिक्योरिटी मतलब मेरा और नुपुरा का एकदम फास्ट हुआ और डैड का भी फास्ट हुआ, क्योंकि जस्ट बिकॉज नुपुरा के साथ बेबी था, उन्होंने बोला कि तू भी जा, और डैड को सीनियर है तो इसलिए वो जा सकते थे। मॉम को थोड़ा देर लगा, अराउंड 5 या 6 मिनट, लेकिन एवरीथिंग वॉज डन एकदम सेफ एंड साउंड। इसका तो डायपर चेंज हो रहा है, सब लोग देखो रहे इसको। इधर भाई ऐसा लग रहा है कि यार देश में आया, एकदम कंप्लीट आजू बाजू देसी ही है। डैड अपने में ही चल रहे, डैड बोले अब उनको चकली चाहिए, क्या किधर से लाऊं, सिर्फ इडली खा रहा है, सिर्फ इडली खाता है। तो गाइस एक बड़ा सा प्रॉब्लम ये है, तो मनन और नुपुरा के लिए हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया था बैजनेट सीट, तो वो सीट हम लोगों को नहीं मिली जस्ट बिकॉज वी वर लेट टू बुक, तो इसलिए उन लोगों ने अभी एक्स्ट्रा स्पेस वाला नुपुरा को दिया है। और नुपुरा इधर बात नहीं कर रही है, वो थोड़ा सा हमारा बाताबाती हुई है, तो अभी फिलहाल हम लोग दरअसल वो अंदर अंदर में ही खेल रहे हैं यार, अभी मैं बता नहीं सकता, एक्सप्लेन मत कर, मतलब ऐसे पकड़ के चलो कि हम दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ और वो बात नहीं कर रही और मैं भी नहीं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा स्माइल कर रही स्माइल कर रही और ये झगड़ा विटनेस कर रही थी मेरी मॉम। मॉम क्या बोली, वो इडली डालेगी, नुपुरा इडली डालेगी मेरे मुंह पे, डालेगी क्या मुंह पे? देख ब्लॉक में ही हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ओके आई विल से सॉरी, उसमें क्या यार, आई विल से सॉरी राइट, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट हैव सेड दैट। हे व्हाट टाइम डज द प्री बोर्डिंग स्टार्ट? प्री बोर्डिंग डोंट आंसर, इट विल यूजुअली रिफर इट टू द बिजनेस फर्स्ट ऑफ प्री बोर्डिंग। ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू। सेम क्वेश्चन एवरी टाइम, सेम लुक, सब लोग सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे, वो 100% अभी रिजाइन देके जाएगी फिर से। अभी भी बात नहीं कर रही, इधर ही सुलह कर लेंगे ना अभी। गाइस मेरी एक अभी फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बात हुई और वो बोल रही थी कि अराउंड 70 व्हीलचेयर्स बुक्ड है, और ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन हाफ ऑफ द पीपल कैन इजीली वॉक, तो मेरी इतना ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर व्हीलचेयर नहीं चाहिए तो प्लीज डोंट रिक्वेस्ट इट। हाँ थोड़ा प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, थोड़ा एक्सपेडाइट हो जाता है, लेकिन जिनको चाहिए उनको नहीं मिलता। आई डोंट नो कि इफ दिस इज द राइट थिंग विच आई एम टेलिंग यू और नॉट, बट मुझे जो लगा मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ। उसको बराबर हम लोगों ने सिखा के बाहर लेके आए थे, कुछ नहीं परफॉर्म कर रहा है। गाइज ये प्री बोर्डिंग हो रहा है और ये सब लोग जोन के लिए वेट कर रहे हैं। गाइज ये देखो, ये इधर नुपुरा बैठने वाली है 25K पे। हाँ बैग इधर ही रख दे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्शंस, इकोनॉमी स्पेस एंड इकोनॉमी स्टैंडर्ड। इकोनॉमी स्टैंडर्ड में लेग रूम इज अराउंड 17 to 17.5 inches, इकोनॉमी स्पेस में एक्स्ट्रा 5 inches मिलेंगे। वो ब्लॉक होता है, लेकिन स्नेक पिक करने वाला जो बंदा है वो कैसे भी कर सकता है। अगर लेफ्ट साइड स्लीपर हो तो आप सो सकते हो आराम से, लेकिन अगर राइट साइड स्लीपर है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। एक पिलो दिया है और एक कम्फर्टर जैसा दिया है, ये आराम से डालो और सो जाओ। मॉम देख उधर गई है, उधर बेबी जो है वो रो रहा था, ये रो रही थी तो उसको हेल्प करने गई है। मैं शांत हो गई शायद, लेकिन ये मॉम लोगों को दरअसल डिफिकल्ट होगा क्योंकि इनकी हाइट ना बहुत छोटी है, छोटी है। राइट,
तो आपको सही है। हाँ मुझे सही है, लेकिन मैं लेफ्ट साइड में सोता नहीं ना, मैं राइट साइड सोता हूँ। मुझे लगता है वो स्पेस एक्स्ट्रा है थोड़ा, थोड़ा लग रहा है ना स्पेस। हाय वाइफ, ये बढ़िया वाइफ है ऐसा आराम से। ओह या, मैं पीछे हूँ एंड माय बेबी इज क्वाइट सो डोंट वरी। अनाउंसमेंट जो हो रही है कंप्लीट अरेबिक में हो रही है, इंग्लिश नो इंग्लिश नो इंग्लिश। शुक्रा बेटे ना, वो दो जो बंदे बेटे हैं वो हैदराबाद का, हैदराबाद में हैदराबाद का और अहमदाबाद का बंदे, वो हिंदी में बोलना चाहिए ना, इंग्लिश में क्यों बोल रहे? तू उनको पूछो फिर, पूछो। इस टीवी में देखो बॉलीवुड है और साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, ओनली साउथ इंडियन। एथियाड में एक मैसेंजर सिस्टम है, यूजिंग दैट यू कैन टॉक विद द अदर फेलो पैसेंजर्स हु आर ट्रैवलिंग विद यू। जैसे हमारे केस में नुपुरा आगे बैठी थी, तो आई वॉज यूजिंग दिस मैसेंजर टू टॉक टू हर। शिकागो टू अबूधाबी के फ्लाइट में 3 मील्स थे। फर्स्ट मील में हम लोगों को बटर चिकन और राइस दिया गया और विद चना सैलड, उसके बाद चिकन सैंडविच दिया गया और फाइनली चिकन बिरयानी विद सम सैलड एंड सम स्वीट। टॉयलेट वॉज स्पेशियस, लेकिन वो जो चेंजिंग टेबल है ना वो इतना स्टर्डी नहीं था। अगर तुम लोगों को लाइट ऑन करना है तो यू डोंट हैव टू गेट अप एंड स्विच इट ऑन, इंस्टेड वो स्क्रीन में एक लाइट का ऑप्शन है जहाँ पे तुम लोग स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। टॉवल देते थे गरम पानी का, क्या होता है, जब मॉम एंड डैड इंडिया से आ रहे थे यूएस तो एटीआर एयरवेज ही थी और तब उनको वेट वाइप्स दिया गया था। एंड ये था सफर फ्रॉम शिकागो टू अबू धाबी। थैंक यू फॉर योर सर्विस। 3 घंटे में इंडिया मुंबई, हम मुंबई। ये देखो हम लोगों को कौन मिले, तमिलनाडु के लोग। कितने दिन से हो सर इधर अबू धाबी में? 6 months से। नाइस, यू लाइकिंग इट? एल्डरली पीपल, गुड टू सर्व देम। जिष्णु कहाँ से हो आप? केरला। कितने दिन से काम कर रहे हो इधर? 5 साल हो गए। अच्छा, थैंक यू सो मच इधर आने के लिए, क्योंकि हम लोगों को वो रेस्टरूम जाना था इसलिए हम लोगों ने इधर ब्रेक लिया, तो वो बंदा बोला कि आप कोई तो एक आएंगे और पिक करेंगे। थैंक यू, आप जैसे लोग इंडियन लोग हम लोग इधर बाहर मिलते हैं तो अच्छा लगता है। सो ग्लैड कि अबू धाबी टू मुंबई के फ्लाइट में भी हम लोगों को प्री बोर्डिंग करने मिला। ऑल थैंक्स टू जिष्णु। पूरा एक दिन तो बिजनेस क्लास में भी जाएगी, लिख के देता हूँ तुझे। फ्री नहीं, हाँ डिपेंड्स। हाँ आपको भी लेके जाता हूँ, चलो जिष्णु भाई आपको भी लेके जाता हूँ। बाय। तो ये बैसिनेट सीट है बिकॉज यहाँ पे हुक्स है बैसिनेट के, और एक्स्ट्रा लेग रूम भी मिलता है बिकॉज बेबी रहेगा। मॉम डैड है बहुत पीछे, हम लोगों ने एक्चुअली आइटनरी सेपरेट है क्योंकि उनका 1 वे ट्रिप है और हम लोगों का रिटर्न ट्रिप है, दैट इज इट। मुझे अच्छा एक मिनट, डोंट टेल मी, तुझे इतना पसंद आया फूड? आई एम बेस्ट। हाँ, इधर बटर चिकन तो दिया था, उसमें क्या टेस्ट था बोल मुझे? व्हाटएवर इट इज, बट इट वाज एडिबल, ईटेबल, वो तो है। और मॉम डैड के साथ आना है, मतलब वही यही फ्लैट से इससे लगाना है, इससे अच्छा किधर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते खाना। यूनाइटेड इज फालतू, ब्रिटिश एयरवेज से मत ही आ जाओ क्योंकि उधर तो हिंदू मिल के नाम पे धब्बा मिल रहा है। तो ये इन्फेंट सीट बेल्ट अलग से मिलता है जो अपने सीट बेल्ट में जाता है। हाँ, तो तेरे सीट पे कनेक्टेड है। अच्छा, नाइस। गोज इनसाइड आवर सीट बेल्ट एंड बाकी इट्स नॉर्मल, बस शॉर्ट होता है। हाँ, तो ये हमेशा बांधना होता है, जब भी सीट बेल्ट साइन ऑन, सीट बेल्ट साइन ऑन होती है ना, तो यू हैव टू पुट दिस। निकलने से पहले कृपया अपनी सीट पॉकेट और ओवरहेड कंपार्टमेंट की जांच कर लें ताकि आपका कोई भी जरूरी सामान जैसे कि वॉलेट, पासपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बीमार। गाइस वो सुबह जो हुआ था वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, सॉरी बोल दिया मैंने, सॉरी बोल दिया, मेरी गलती थी, कभी भी मेरी गलती रहती है। Yes. आज तो भी पैनिक होते हैं, तुम लोग भी होते रहेंगे, लेकिन बहुत दिनों के बाद में पैनिक हो रहा है, राइट? पर लेकिन होता है, बट व्हेनेवर यू आर इन अ सिचुएशन यू पैनिक।
एज ए वेलकम वीडियो दिखा रहे हैं, इससे भी अच्छा वेलकम वीडियो मैं इनको एडिट करके दे दूंगा। मैं फर्स्ट टाइम जब आया था ना यूएस, जो मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट थी ना, और ऐसे ही सीट टू सीट मेरी एक्स्ट्रा लेग वाली मेरी सीट थी, और मुझे पता ही नहीं, खाना आया मैं ऐसे हाथ में लेके से खा रहा था, तो बाजू में एक लड़की बैठी थी, उसने बोला था रुक रुक ये निकालते हैं इसके ऊपर रख, उसके बाद खाना खाओ। फ्लाइट में हम लोगों को दिया गया था चिकन मसाला, गुलाब जामुन, राइस एंड सैलड। इंडिया जाके क्या करोगे सर? इंडिया में जाके फर्स्ट क्या करेगी? इंडिया के जाके मैं भाई इंडिया जाके तो व्लॉग्स ही करूंगा। शेख मैं यूट्यूबर हूँ, दो तीन सवाल पूछूं आपसे? ऐसे ही पूछता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी मुझे मदद की हमारे फैमिली को। खुदा आपको हमेशा खुश रखे, और हमें भी, आपको भी, आपकी फैमिली को भी। ओके, खुदा हाफिज। शिवाजी महाराज की जय। एकदम बाय बाय। इसके बाद इसकी ब्लॉग्स हो जाएंगे, इसकी शादी हो रही है।